ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार वहाँ पे हमने पौधों को रोपण करने का कार्यक्रम किया था। तत्पश्चात हमने खिलते कमल एक अभियान चलाया था। आप उस अभियान के बारे में जानते होंगे कि यह सब पहला अभियान मेरे हिसाब से होगा इसमें किसी राज्य सरकार की नीति के लिए किसी राजनीतिक युवा संगठन का कोई सुझाव दिया। युवा मोर्चा ने लगभग 8,500 सुझाव इस खिलते कमल अभियान के माध्यम से सभी 270 मंडल में हमने अभियान करे थे। तत्पश्चात जो हमें सुझाव जो युवाओं से प्राप्त हुए थे वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे। उनमें 60-70% सुझावों का जो उद्घटीकरण है मतलब जो उनको फीडबैक है उसको उन्होंने युवा नीति में लागू भी किया। ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं ऐसे नवाचार माननीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में कर रहा है और उसी एक नवाचार का भाग है युवा चौपाल। युवा चौपाल में हम ये कर रहे हैं कि 270 मंडल में जितनी भी हमारी पंचायतें रहती हैं वहाँ पे हम चौपाल के माध्यम से नव मतदाताओं से चर्चा करते हैं। नव मतदाता मतलब ऐसे प्रमुख रूप से ऐसे मतदाता जो पहली बार अपना मत डालने वाले हैं उनपे पार्टी फोकस करते हैं। उनको पार्टी की रीति नीति के साथ साथ तो हाल ही में हमने युवा नीति लॉन्च करी माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में हम कहने की चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटलाइन मोर्चा है। भारतीय जनता मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीत गति कहा जाता है। तो युवा नवमतदाताओं को जोड़ने के लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और सभी 270 मंडल की सभी पंचायतों में हमें कार्यक्रम करने का काम करेंगे। और अपने आप में बहुत ही अभिनव कार्यक्रम है क्योंकि बूथ स्तर पर जाकर अब 15-15, 20-20 नवमतदाताओं के साथ जो भी पहली बार वहाँ पर मत डाल रहे हैं वहाँ पर हम चौपाल लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है पूरा चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो चाहे हमारे प्रदेश पदाधिकारी गण हो चाहे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हो सभी चौपालों में लगातार जाने का कार्यक्रम से प्रेस वार्ता का विषय नहीं है फिर भी जवाब दे देता हूँ कि इस पर हमने अभी चर्चा करी थी। ठेकेदार की तरफ से थोड़ा विषय आया था कि कुछ लंबित मामले हैं उनके पेमेंट वगैरह के तो उसको लेकर हमने कल ही माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से चर्चा करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी उसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर पालिका से भी हमने इस विषय में चर्चा